चलिए ओके। ड्रॉबैक, ड्रॉबैक में सबसे पहले बेटा ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। चलिए इसमें बेटा सबसे पहले इस मॉडल में बेटा इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस के अराउंड क्या पोजीशन है उसके बारे में कुछ भी नहीं बताता, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट के बारे में ये बिल्कुल भी कैन नॉट एक्सप्लेन एक्सप्लेन इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस। चलिए ओके। हाँ बेटा बात समझ में आ रही है? यस सर। ये सिर्फ बताता है क्या एग्जैक्ट, हाँ बेटा सिर्फ एक न्यूक्लियस की पोजीशन को बताता है। दूसरा बेटा नंबर सेकंड, नंबर सेकंड कैन नॉट एक्सप्लेन, कैन नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी डिटी ऑफ एटम। चलिए अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये क्या बात हुई, एटम की स्टेबिलिटी का क्या मतलब हुआ। चलिए अच्छा एक बात बताओ, एक ये कोई बिल्डिंग है और एक व्यक्ति यहां से दौड़ना शुरू करता है और इसके चारों तरफ चक्कर काटता रहता है। तो बेटा वो चक्कर काटता रहता है, क्या वो हमेशा चक्कर काटता रहेगा, कुछ समय के बाद थक जाएगा? थक जाएगा सर, कुछ कुछ समय थक के जाएगा, बिल्कुल सही बात बाद है। अब कुछ समय के बाद थक जाता है, इसका मतलब ये हुआ, थकने का मतलब ये है कि उसकी जो एनर्जी है वो कम हो जाएगी। वो चलता रहता है, चलता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है। तो घूमते 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 एक स्थिति ऐसी आती है कि वो यहीं बेहोश होकर यहीं गिर जाता है। रदरफोर्ड से क्वेश्चन किया, उनसे क्वेश्चन ये किया कि सर मैक्सवेल, मैक्सवेल इलेक्ट्रोस्टैटिक लॉ, इलेक्ट्रो स्टैटिक लॉ डिफाइन, जो इलेक्ट मैक्सवेल इलेक्ट्रोस्टैटिक लॉ है वो डिफाइन करता है व्हेन ए चार्ज बॉडी, व्हेन ए चार्ज बॉडी रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस, व्हेन ए चार्ज बॉडी रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस डिक्रीज इट्स एनर्जी, इट्स एनर्जी एंड फॉल इनटू इट, इनटू इट और उसमें गिर जाती है। मैक्सवेल ने कहा कि एक चार्ज बॉडी जब दूसरी चार्ज बॉडी के चारों तरफ घूमती है, ये इलेक्ट्रॉन है इस पे निगेटिव चार्ज है, ये न्यूक्लियस है इस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमेगा तो घूमते 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 वो अपनी एनर्जी को लॉस करेगा, अंत में न्यूक्लियस पे गिरेगा, न्यूक्लियस को भी बर्बाद कर देगा और खुद भी बर्बाद हो जाएगा, जिससे एटम बर्बाद हो जाना चाहिए लेकिन एटम तो बर्बाद नहीं होते। तो उनसे जब ये क्वेश्चन पूछा गया रदरफोर्ड से, तो रदरफोर्ड ने कहा भैया मुझे इस बात का मालूमात नहीं कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा कि ये तो मुझे समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों घूम रहे हैं, लेकिन वो घूमते हुए न्यूक्लियस में क्यों नहीं गिर रहे और न्यूक्लियस का विनाश क्यों नहीं कर रहे, अपना विनाश क्यों नहीं कर रहे, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। तो इसे कहते हैं स्टेबिलिटी ऑफ एटम। समझ में आ गए? हेलो यस सर। ठीक है, तो यस मैं यहां पे लिख दूं, ये कैन नॉट एक्सप्लेन, कैन नॉट एक्सप्लेन इलेक्ट्रो स्टैटिक लॉ। ओके अभी समझ में आ गया? और इलेक्ट्रोस्टैटिक लॉ कौन सा है बेटा?
हेलो, समझ में आ गया? यस सर, यस ओके सर। ओके बेटा, चलिए। अब बेटा दूसरा एक क्वेश्चन है। वैसे तो बेटा ये एक चैप्टर है आपके यहाँ, रेडियो एक्टिविटी, उसका टॉपिक है, लेकिन हल्का सा बेटा मैं बता देता हूँ आपको। साइज ऑफ न्यूक्लियस, हमें तो ये सिखाया जाता है कि जो न्यूक्लियर रेडियस है, न्यूक्लियर रेडियस जो है वो 10^-15 मीटर होती है। हेलो, समझ में आ गए? मेरी बात समझ में आई क्या? हेलो, यस सर, ठीक है। यस सर। अब बच्चे कहते हैं, चलो सर हमने आपकी बात मान ली, हाइड्रोजन एटम ये है, ठीक है, हीलियम एटम ये है, सोडियम एटम ये है, क्लोरीन एटम ये है, क्या इन सब में न्यूक्लियस एक जैसा है? नहीं भाई, इन सब में न्यूक्लियस का साइज भी वेरी कर रहा है। तो यदि न्यूक्लियस का साइज वेरी करता है तो वो साइज किस तरीके से बेटा? तो द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस न्यूक्लियस इज प्रोपोर्शन प्रोपोर्शनल टू दी क्यूब रूट ऑफ दी न्यूक्लियस ऑफ दी न्यूक्लियस। ठीक, ये मतलब क्या होता है बेटा? ए आर इज इक्वल टू R0 इंटू ए का क्यूब रूट। हाँ बेटा, द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब रूट ऑफ द, अरे क्यूब रूट ऑफ द मास नंबर, मास नंबर ऑफ न्यूक्लियस। अब ये मास नंबर क्या होता है? हेलो, अभी मास नंबर जानते हो? कोई पढ़ा है? नहीं, मास नंबर किसे कहते हैं? मास नंबर एटॉमिक मास। बिल्कुल एक तरीके का हम यही कह सकते हैं एटॉमिक। अभी मैं पढ़ाऊंगा, जस्ट रुको, अभी थोड़ी देर में मैं इसको शुरुआत करता हूँ। तो बेटा जैसे हमारा एक एटम है, ठीक है, ये क्यूब रूट है बेटा, क्यूब रूट 1/3। अब ऐसा हुआ एल्यूमिनियम है बेटा, तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है, 13 होता है, और इसका मास नंबर 27 है। तो इसमें न्यूक्लियस रेडियस कितनी होगी? रेडियस कितनी? R0 इंटू 27 का क्यूब रूट। हेलो, यस सर। तो समझ में आ गया? इसमें R0 क्या है? R0 की वैल्यू बता देता हूँ। R0 की जो बेटा वैल्यू है ये होती है 1.2 × 10^-15 मीटर। आप समझ आ गए बेटा? ठीक यस सर। है। अच्छा, वैसे ये ना जो वैल्यू, अब ये तुम सोचोगे कि सर आप अभी आप घर में कोई किताब पढ़ोगे, इसकी जो वैल्यू होती है बेटा 1.1 × 10^-15 होती है। ठीक है, ये R0 की ये क्वेश्चन में दी जाती है, ठीक है, और नहीं दी हो तो फिर हमें ये R की वैल्यू हम ये यूज करते हैं। हेलो, ओके। ओके सर। ओके सर। अब इसलिए बेटा मैंने बताई क्योंकि तुम किताबें पढ़ोगे, किसी किताब में 1.4 लिखा होगा, किसी में 1.3 लिखा होगा, आप सोच रहे होंगे कि सर ने शायद हमें गलत पढ़ा दिया। नहीं बेटा, इसकी रेंज है, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू इसकी अभी तक पता नहीं है। तो जो भी क्वेश्चन सॉल्व कराता है वो R0 की वैल्यू लिखता है कि R0 की वैल्यू क्या, और नहीं लिखेगा तो फिर बेटा 1.2 मानी जाती है। चलिए, अब बेटा यहाँ से अब प्रॉब्लम्स शुरू होती हैं। अब बेटा हम आपको पढ़ाते हैं सबसे पहले एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, क्योंकि अब चीज़ें हमारे सामने आनी शुरू हो जाएंगी, अब प्रॉब्लम्स बननी शुरू होंगी। तो उनका ये बताओ बेटा, एटॉमिक नंबर जो होता है इसको किस से डिनोट करते हैं? जेड से, कैपिटल जेड से। किससे डिनोट करेंगे?
हेलो, कैपिटल जेड बिल्कुल सही बात है, इसको हम कैपिटल जेड से डिनोट करेंगे। अच्छा एक बात तो बताओ, हमें ये बात भी समझ में आ गई कि हम इसको कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं। येलेना, हेलो येलेना, क्या होता है एटॉमिक नंबर? हेलो येलेना, क्लास में है? हेलो हेलो, शायद क्लास में नहीं है। हेलो येलेना, ये तुम क्लास में हो तो मोबाइल हैंग हो गया था सर। ओके, वेरी एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। गुड। अच्छा आदित्य, तुम्हारा क्या आंसर है? हेलो सर श्रुति, कैन यू सर, प्लीज, सर कैन यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन सर। व्हाट इज एटॉमिक नंबर? एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इन एन एटम इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन, या केवल इलेक्ट्रॉन, या केवल प्रोटॉन? सर, केवल इलेक्ट्रॉन एंड केवल प्रोटॉन। नहीं बेटा, तुम्हारा आंसर गलत है। यल्ला ने बिल्कुल सही आंसर दिया कि एटॉमिक नंबर जो होता है वो बेटा इलेक्ट्रॉन के नंबर के इक्वल नहीं होता, वो होता है प्रोटॉन के इक्वल। ये बात अलग है कि न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इक्वल नंबर में होते हैं, लेकिन हमारी जो टेक्निकल डेफिनेशन है वो क्या होती है बेटा? एटॉमिक नंबर क्या है? इट इज इक्वल टू, हाँ बेटा, टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस। ये प्रोटॉन के इक्वल है, न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन होते हैं उसके इक्वल होता है। अब जैसे एक बच्चे ने मुझे कहा, सर हमें बात आपकी जो है कुछ अच्छी नहीं लग रही। ठीक है, कोई बात नहीं। ये सोडियम है मेरे बेटा, इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है, 11 प्रोटॉन है, इसका एटॉमिक नंबर 11 है, राइट? अच्छा इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। अब इलेक्ट्रॉन 10 हो गए, प्रोटॉन 11 है, क्या इसका एटॉमिक नंबर 10 हो जाएगा? नहीं, नो प्रोटॉन, क्योंकि ये प्रोटॉन के इक्वल होता है। इलेक्ट्रॉन कम या ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि जब वो आयनाइजेशन होता है तो, अब जैसे क्लोराइड है, जैसे क्लोरीन है मेरे बेटा, क्लोरीन के पास 17 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 17 प्रोटॉन होते हैं, इसका एटॉमिक नंबर Z17 होता है। लेकिन जब क्लोराइड की बात आती है ना बेटा, ये 18 हो जाता है, ये 17 हो जाता है, ये 17, तो इसका एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर जब भी कुछ पूछे तो इक्वल टू नंबर ऑफ, नंबर ऑफ क्या बेटा? प्रोटोन, प्रोटोन और पॉजिटिव चार्ज, या तो प्रोटोन बोलिए या पॉजिटिव चार्ज बोलिए। ओके ठीक है, हाँ भाई। और एक हरबन, तुम अपना बेटा माइक सही करो बेटा, ऐसे डिस्टरबेंस होता है। आपको जो भी कुछ बोलना होता है आप क्लास में बोलें। हेलो, हाँ भाई हरबन, कल से अपना माइक सही करो, ठीक है? और आप क्लास में बोलें, और ऐसा कोई एक्सेप्शन नहीं होता है, कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। हेलो चलिए, जो इसका, अब हमारे पास ये हो जाता है कि भैया इक्वल टू प्रोटोन, ये तो मुझे ये समझ में आ गया। एक बात और बेटा, कि एटॉमिक नंबर जो होता है, ठीक है, इट इज आल्सो नोन एज, कुछ किताबों में इसको लिखते हैं एटॉमिक नंबर को प्रोटॉन नंबर, इट इज आल्सो आल्सो नोन एज प्रोटॉन नंबर। अब प्रोटॉन नंबर क्यों बोलते हैं, अब आपको समझ में आ गया होगा। हेलो, हाँ भाई यस सर। ठीक, समझ में आ गया? ओके ठीक है बेटा। इसके बाद यस बेटा सर। मैं अब आपको यहीं से एक छोटा सा टॉपिक मैं और आपके सामने रखूंगा, और टॉपिक है मास नंबर। अब आता है मास नंबर, ये मास नंबर, ये मास नंबर किसे कहते हैं, क्या बताओगे? क्या बेटे, इसको ए से डिनोट करते हैं, मास नंबर, इसको हम डिनोट करेंगे किससे बेटा? हेलो, वेरी गुड, ए से डिनोट करते इट हैं। और मास नंबर क्या है बेटा? इज द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन अ न्यूक्लियस। वेरी गुड, ए मास नंबर इज ऑलवेज होल नंबर, मास नंबर इज ऑलवेज होल नंबर। एटॉमिक नंबर भी बेटा हमेशा होल नंबर में होता है, होल नंबर, ठीक है? मास नंबर ए, ये एटॉमिक नंबर
एंड मास नंबर, ऑलवेज होल नंबर, हमेशा होल नंबर में होते हैं, ठीक है। मास नंबर, मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन न्यूक्लियस। एक न्यूक्लियस में, ध्यान दो बेटा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो सम है वो मास नंबर है। स्थिति कुछ ऐसी होती है बेटा, ये एटम होता है, इसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है, यहाँ न्यूट्रॉन होता है, यहाँ प्रोटॉन होते हैं और यहाँ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अब बेटा किसी एटम का सिंबल देना होता है ना बेटा, कोई एटम का हम सिंबल लिखते हैं, तो सिंबल या तो ऐसे लिखा जाता है जेड ए, कुछ किताब में सिंबल ऐसे लिखा जाता है जेड ए, ठीक है, यही हमारे ज़्यादा माना जाता है। जैसे मुझे ऑक्सीजन है बेटा, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, मास नंबर इसका 16 होता है, तो मैं ऑक्सीजन का डिनोट करूंगा तो ऑक्सीजन को ऐसे डिनोट करूंगा 8 16। ओके, हेलो, हाँ भाई, यस सर। चलिए अब ये बताओ बेटा, यदि मैं आपसे पूछूं कि ये सोडियम है, सोडियम एटम है, इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन हैं और 12 इसके पास न्यूट्रॉन है, तो बताइए इसका ए क्या होगा और इसका जेड क्या होगा। शाबाश, वेरी गुड। अब सोडियम एक न्यूट्रल एटम है। हेलो, यस, वेरी गुड। सोडियम यदि एक न्यूट्रल एटम है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, सही या गलत? यस सर, ठीक है, ये 11 तो प्रोटॉन 11 होगा और न्यूट्रॉन 12 है, तो एटॉमिक नंबर तो इसका है 11 और इसका मास नंबर इसका हो जाएगा 23। क्यों? क्योंकि ये हो जाएगा, हाँ बेटा, नंबर ऑफ प्रोटॉन, मास नंबर तो ए से डिनोट होता है ना, तो 23 होगा। सही है बेटा, 23 और ये 11। ओके, सही है बेटा, शाबाश, ठीक है। एक मिनट, तो अब हम मास नंबर कितना आ जाएगा बेटा इसका, 11 प्लस 12 इज इक्वल टू 23, वेरी गुड, और एटॉमिक नंबर 11 आ जाएगा, बस बात खत्म हो जाएगी। अच्छा ये बताओ बेटा, ये सोडियम है 11 23, इसके पास बताओ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, प्रोटॉन कितने हैं, न्यूट्रॉन कितने हैं? देखो बेटा, सर इलेक्ट्रॉन 11 है, प्रोटॉन 11 है, प्रोटॉन तो 11 हो गए, इलेक्ट्रॉन 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 भी 11 है। अब यहां एक पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब है इसके 10, तो इसके पास प्रोटोन और न्यूट्रॉन का सम 23 है, ये 11, तो न्यूट्रॉन 12 हो गया। नहीं समझ में आ रहा? ओके ओके आदित्य, ठीक है, वेरी गुड। चलिए अच्छा ये बताओ, 92 यूरेनियम 237, इसके पास न्यूट्रॉन बताओ, इसके पास प्रोटॉन बताओ, इलेक्ट्रॉन बताओ। देखें सबसे जल्दी आंसर कौन दे रहा है। हाँ बेटा, यलनी, सुहानी, तनिष्का, अश्मित बालियान, ग्रेस, हाँ बेटा बोलो, श्रेया जायसवाल, दिव्याता संगल, हेलो दिव्याता, दिव्याता ये बता बेटा कि ये न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन कितना है? सर 237। वेरी गुड, और प्रोटॉन कितना है बेटा? सर 92। तो न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा? 145। वेरी गुड, वेरी गुड। प्रोटॉन 92। इलेक्ट्रॉन 92। वेरी गुड,
ठीक है, वेरी गुड, शाबाश, बहुत श्रेया जायसवाल, सभी ने अच्छा आंसर दिया, वेरी गुड बेटा। तब मैं सोच रहा था, बहुत अच्छा परफॉर्म किया बच्चों ने। ठीक है, यलना, श्रेया, सुहानी, तनिष्का, सभी ने अच्छा आंसर दिया, लेकिन अश्मित, तुम्हारा आंसर नहीं आया बेटा। अश्मित, यस श्रेयांश, सर, तुमने आंसर नहीं दिया बेटा, सर निकालिए तो सर। लेकिन आंसर लिखा नहीं तुमने बेटा। बेसिकली आप लिखना भी होता है बेटा, आप साथ साथ, क्योंकि ओके आपका सर, आप आपको मज़ा तभी आएगा ना सीखने में जब आप साथ साथ लिखेंगे। कृतिज्ञ, ग्रेस, गौरी, पूजा, सॉरी आदित्य, सभी ने अच्छा लिखा। ठीक है, ओके, आप आंसर लिखा करें बेटा, तभी तो मैं समझ, तुम्हें चलो ये तो आता होगा तुम्हें, या इसके ऊपर और प्रैक्टिस करनी है? नहीं सर, आता है सर। चलिए सर, एक चीज पूछनी सर, डाउट था सर। हाँ बोलो बोलो बोलो। सर ये सर क्लोरीन का मास नंबर सर पॉइंट में होता है क्या? हाँ, वो उसे मतलब क्लोरीन का मास नंबर पॉइंट में नहीं होता, उसका एटॉमिक वेट में होता है। एटॉमिक वेट जो होता है वो फ्रैक्शनल होता है उसका। देखिए, एटॉमिक वेट में भी फ्रैक्शनल, एटॉमिक वेट अलग चीज है। एटॉमिक वेट जो होता है एक एवरेज, एवरेज एटम का वेट है। एटॉमिक वेट इज एवरेज वेट, एवरेज वेट। इट मे बी फ्रैक्शनल, मे बी फ्रैक्शनल। ओके, अब जरा इधर देखिए, क्लोरीन इसका रीजन है ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ आइसोटॉप। जैसे क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, मास नंबर 35। क्लोरीन मास नंबर 37, एटॉमिक वेट। ये दोनों क्या है? आइसोटोप। आइसोटोप जानते हो, मिक्सचर में ये 75% होता है, हेलो, और ये 25% होता है। यस सर, यस सर। अब देखो इसका मैं वेट निकालूंगा, एटॉमिक वेट कैसे निकलेगा। एटॉमिक वेट इज इक्वल टू, एटॉमिक वेट इज इक्वल टू कैसे निकालेंगे, पहले 35, बताओ 35 कितने परसेंट है, हेलो, इनटू 75, और 37 कितना है, 25 इनटू 25, 25 बाई 100। हाँ भाई, समझ में आ रहा है? यस सर। हेलो, यस सर, हेलो। हाँ भाई, अवलीन, अवलीन तेरा आंसर नहीं आया बेटा अब तक। हेलो, हेलो, हाँ, तू आंसर क्यों दे रही बेटा? दिया इस किसका पिछले क्वेश्चन का तो आंसर नहीं था बेटा। बेटा आंसर हाँ, वो नहीं दिया, कर लिया था वो। बेटा आंसर लिखने होते हैं तभी तो पार्टिसिपेट होगा ना बेटा बैच में, तभी तो अच्छा करोगे। चलिए, हाँ। तो अब इसको हम सम कर दें। देखो बेटा, अब 35 × 75, एक मिनट, मेरे पास कैलकुलेटर है, मैं कैलकुलेटर से कर लेता हूँ। 75 आंसर आता है 2625 प्लस ये आएगा। हाँ बेटा, 37 × 25 ये आएगा बेटा 925 अपॉन 100 इज इक्वल टू 3550 बाई 100 इज इक्वल टू 35.5। दिस इज दी क्या, हेलो, क्या एटॉमिक वेट। अब देखो तुम्हारा, तो एक मिनट अश्विन, तुम्हारा कुछ क्वेश्चन था, देखना जरा सॉर्ट आउट हुआ या अभी प्रॉब्लम में। यस सर, आ गया सर। तो मैं एटॉमिक वेट और मास नंबर में कंफ्यूज हो गया था। तो मास नंबर क्या होता है बेटा, मास नंबर क्या होता है बेटा, वो तो क्या है, सुनो बेटा, मास नंबर क्या है, मैं प्रोटोन और इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन का का सम। सम, प्रोटोन और न्यूट्रॉन का सम। और एटॉमिक वेट क्या है बेटा, एक एक वेट एटम का एवरेज वेट है, एक एटम का क्या बेटा, एवरेज वेट है। मेरी बात समझ में आई क्या? एवरेज, यस सर। जैसे ये बेटा एक बात सुनो, ये यहाँ यहाँ 10 लोग खड़े हुए हैं, 10 लोग खड़े हुए हैं, एक व्यक्ति ए खड़ा हुआ है, एक बी खड़ा हुआ है, एक सी, एक डी, मान लो 4 लोग खड़े हुए हैं। इसका वेट है 80 kg, इसका 70 kg, ठीक, इसका 90 kg और इसका 85 kg। तो बताओ इनका इनका पर्सनल वेट तो ये है 80, 70, 90, लेकिन इसका एवरेज वेट बताओ कितना होगा, इन चारों व्यक्तियों का एवरेज वेट क्या है?
कोई बच्चा निकाले एवरेज वेट निकाल के बता देखें, लिखे बोले हेलो। हाँ भाई हरमन लिख जा रहा है इस पर। हेलो तू आंसर नहीं लिख रहा इस पर। हेलो हरमन चला गया शायद, क्लास में नहीं है। तो ये हो जाएगा कितना, 80 65 प्लस 65 तो आ ही नहीं सकता बेटा इसका आंसर। सर 81.25 सर 81.25 तो इसका ये देखो 90 और ये 85। तो इन सबको यदि मैं ऐड कर दूं तो ऐड करके कितना आ जाएगा, 80 प्लस 375 70 प्लस 90 प्लस 85 आंसर 325 अपॉन 4। तो आंसर बिल्कुल सही बोला था एक बच्चे ने, ये श्रुति चहल ने बोला था बिल्कुल 81.25। हाँ भाई हरमन सिंह तू आंसर भी नहीं लिखता, क्या चक्कर है, कुछ नाराज है क्या बैच से हरमन सिंह? हाँ कोई नाराजगी है किसी से? तो आंसर आंसर बिल्कुल नहीं लिखता। चलिए बेटा ओके, अब तुम्हें आज एक नया टॉपिक सिखाएंगे, टॉपिक का नाम है आइसो सीरीज। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो बेटा। जिनके आइसोटोप्स होते हैं जिन एलिमेंट्स के सिर्फ उनका एक एटॉमिक नंबर और मास नंबर में डिफरेंस होगा ना? अभी बता रहा हूँ बस, आप टॉपिक शुरू कर दिया मैंने, ठीक है। टॉपिक है, टॉपिक का नाम है आइसो सीरीज। अच्छा आइसो का मतलब क्या होता है अश्मित, क्या होता है आइसो का मतलब? सेम। वेरी गुड, आइसो का मतलब होता है सेम, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अब ये इसमें सबसे पहले तुम्हें सिखाते हैं आइसोटॉप। आइसोटॉप ये क्या होता है बेटा? आइसोटॉप बेटा, आइसोटॉप का मतलब होता है सच एटम्स, वो एटम जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं और मास नंबर डिफरेंट होते हैं, ठीक है। सच एटम, एटम ऑफ द सेम एलिमेंट, सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, बट डिफरेंट मास नंबर, लेकिन मास नंबर डिफरेंट होता है, आर कॉल्ड कॉल्ड आइसोटॉप्स, उनको आइसोटॉप्स बोलते हैं। जैसे 1H1 1H2 1S3। हेलो हाँ भी 1H1 1H2 1S3 इनके देखिए, यदि आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो इन सब के, हाँ बेटा एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास नंबर इन सब के क्या है, डिफरेंट है। ये हाइड्रोजन आइसोटॉप्स 17 क्लोरीन 35, 17 क्लोरीन 37, 8 ऑक्सीजन 16, 8 ऑक्सीजन 17, 8 ऑक्सीजन 18, ये सब क्या है? चलो छोड़ो इसको, अब एक नई टर्म आपके सामने लाते हैं, उस टर्म का नाम है आइसोबार। एक्चुअली बेटा ग्रीक भाषा में बार का मतलब वेट से होता है, आइसोबार्स। आइसोबार मतलब सच एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, सच एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, एलिमेंट हैव सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, लेकिन उनके एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, डिफरेंट। जैसे एग्जांपल ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं बेटा? आर्गन। वेरी गुड, आर्गन। और इसको क्या बोलते हैं? पोटेशियम। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये सब के सब क्या हुए? आइसोबार्स।
इसी तरीके से एक और टर्म है जिसे कहते हैं आइसोटोन्स, आइसोटोन्स। आइसोटोन का मतलब क्या होता है बेटा, कि ये वो एटम होते हैं जिनके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होते हैं, ठीक है। सच एटम, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, आप नोट्स बना रहे हैं ना साथ साथ? हेलो यस सर, यस सर, यस सर, गोरी यस सर, दिव्याता, अश्मित, फिर साथ साथ नोट्स, ठीक है। और बाय चांस एक मिनट को सब बच्चे, एक मिनट, दो मिनट के लिए रुको। यस सर, आप लोग लिखते हुए कुछ चीजें आपकी छूट जाती होंगी, तो कोई टेंशन मत करा करो, छोड़ दिया करो उसको। मतलब आप लिख रहे हैं, मैं लिख रहा हूँ, तेजी से लिख रहा हूँ, ठीक है, तो कोई बात नहीं, आपका कुछ छूट जाए, तो जब आपका छूट जाए तो उसको आप क्या करें, आप वेट करें थोड़ी देर के लिए, आप वीडियो अपलोड हो जाता है, वीडियो से देख लें, नोट्स भी आपके पास आ जाते हैं, वहाँ से देख के उसको कॉपी कर लें। तो यदि बेटा आप लिखते समय आप पीछे की चीज़ों को पूरी करने में समय लगाएगा, तो जो मैं आगे सिखा रहा हूँगा ना, वहाँ डिस्टर्ब हो जाओगे आप। तो जो चीज़ छूट जाती है उसे छूटने दें, क्योंकि आप समझ लें कि थोड़ी देर में तो नोट्स मिल ही जाने। मैं आप जैसे ही क्लास खत्म होती है ना, तो क्लास खत्म होते ही मैं आप लेक्चर अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। सच एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, एलिमेंट विच हैव क्या बेटा, सेम मास नंबर, क्या सेम नंबर ऑफ सेम सॉरी सॉरी सेम नंबर ऑफ, नंबर ऑफ क्या बेटा, हाँ, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन आर कॉल्ड क्या बेटा, आइसोटोन, उसको हम लोग आइसोटोन्स बोलते हैं। चलिए तो मैं कोई एग्जांपल देता हूँ, आप छांटिएगा इनमें से कौन आइसोटोन्स है, खुद से। सोडियम और मैग्नीशियम। एक मिनट बेटा, अभी जस्ट दो मिनट बेटा। तो चलो हम इस बच्चे की बात सुन लेते हैं, 11 सोडियम 23, तो इसके पास प्रोटोन कितने हैं मेरे बेटा, 11। इसके बाद न्यूट्रॉन कितने मेरे बेटा, 12। ओके, अच्छा, अब 12 मैग्नीशियम 24, इसके पास प्रोटॉन कितने मेरे बेटा, 12। और ए इसमें से इसको माइनस कर दें, हाँ बेटा, तो क्या आ जाएगा, न्यूट्रॉन, हेलो, 12। बिल्कुल सही बात है, तो मुझे इसे क्या कह देना चाहिए, हेलो, आइसोटोन्स, वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल सही बात है। चलो एक एग्जांपल और लेके फिर बस इसको आगे चलाते हैं। चलो अच्छा ये बताओ, तीन एलिमेंट में से बताओ कौन आइसोटोन्स है, 6 कार्बन, 7 और ये 8 ऑक्सीजन 16, बताइए। सर तीनों, इसके पास प्रोटॉन कितने हैं, 6 सर, 6। अच्छा, और न्यूट्रॉन, 8। इसके पास प्रोटॉन कितने और न्यूट्रॉन, 8। इसके पास प्रोटॉन कितने, 8, न्यूट्रॉन, 8। तो इसका मतलब ये तीनों क्या हुए, आइसोटोन्स। ओके, हाँ भी, यस सर, चलो छोड़ो उसको। नेक्स्ट टर्म है आइसोइलेक्ट्रॉनिक, आइसोइलेक्ट्रॉनिक सर, जिनके इलेक्ट्रॉन सेम है। हाँ, वेरी गुड, आइसोइलेक्ट्रॉनिक, द स्पीसीज, द स्पीसीज बेटा, दिस स्पीसीज ब्रैकेट में एटम और आयन कंटेनिंग द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड, कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक। चलिए अच्छा बताओ, ऑक्सीजन के पास
हाँ बेटा, सिक्स ऑक्सीजन 16, और सॉरी 8 ऑक्सीजन 16, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 8। प्रोटॉन कितने हैं? 8। न्यूट्रॉन कितने हैं? 8। ओके अच्छा, अब यदि मैं आपसे कहूं ओ डबल नेगेटिव, तो ओ डबल नेगेटिव का मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन कैरी कर लिए, तो अब इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 10। प्रोटॉन कितने होंगे? 8। न्यूट्रॉन कितने होंगे? 8। हेलो, समझ में आ गया? Yes, sir. सोडियम, yes, sir. सोडियम इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने, प्रोटॉन कितने, न्यूट्रॉन कितने? आपने मुझे कहा सोडियम आयन, इलेक्ट्रॉन कितने? 11। प्रोटॉन, ओ सॉरी सॉरी, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 10, क्योंकि एक पॉजिटिव है ना बेटा, पॉजिटिव का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। तो ये बताओ इन दोनों में क्या रिलेशन है? आइसोइलेक्ट्रॉनिक है। वेरी गुड, दे आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक। ओके हेलो, यस सर। चलो यस सर, ये समझ में आ गया? अभी और बताऊं? सर आ गया, सर आ गया। ओके, क्लोराइड, क्लोराइड के पास 17 और एक 18 इलेक्ट्रॉन। आर्गन, आर्गन के पास 18 इलेक्ट्रॉन। हेलो, पोटेशियम 19 माइनस 1 बराबर 18 इलेक्ट्रॉन। तो बताओ मैं क्या इन तीनों को आइसोइलेक्ट्रॉनिक कह दूं? यस सर, यस सर। ठीक है, एक टर्म और आपके सामने आ रही है, टर्म का नाम है आइसो डायफर्स। नाम सुना है कभी? नहीं। हेलो, आइसो डायफर्स बता, इसमें क्या होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो डिफरेंस है वो सेम होता है। द न्यूक्लियस हैविंग सेम difference of number of neutron and proton, number of neutron and proton, जब neutron proton का difference same होता है तो उसे isodiffers बोलते हैं। जैसे 92 यूरेनियम 238, चलो बताओ इसमें इलेक्ट्रॉन बताओ इसमें कितने? 92 प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एन माइनस पी। ठीक है, तो यहां पे आप क्या लिखूं बेटा, चलो बताओ कितना? 92 यहां पर, 92 और यहां 145 146। ओके ओके सर, 146। वेरी गुड बेटा, यहां पे क्या लिखूं? एक एलिमेंट है जिसका नाम है थोरियम, मतलब थोड़ा थोड़ा आपको बेटा, आप सोच रहे होंगे सर एक एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, जरूरत भी बेटा एक एक एग्जाम्पल की होती है, उस सब बच्चे होशियार होते हैं और एक एग्जाम्पल से समझ जाते हैं, अब एक से ज्यादा एग्जाम्पल में तो टाइम ही वेस्ट करना होगा ना बच्चों का। चलिए यहाँ बताओ इलेक्ट्रॉन कितने? 90। प्रोटोन 90। न्यूट्रॉन 144। 144। ठीक है, और यहाँ 54। तो अब बताओ इन दोनों में क्या रिलेशन हुआ? आइसोडाइपर्स। बिल्कुल सही, आइसोडाइपर्स। ओके हेलो, यस सर। तो इस तरीके से बेटा ये हमने आइसोडाइफर्स निकाल लिए, तो ये आइसोडाइफर्स किसे बोलते हैं, आइसोडाइफर्स का मतलब क्या होता है? तो एक मिनट बेटा, मैं तुम्हें थोड़ा सा एक चीज़ मैं थोड़ा सा आपको एक बार थोड़ा मैं पीपीटी के जरिए मैं थोड़ा रिव्यू करा दूँ, एक मिनट बेटा।
तो एक मिनट जस्ट आपको चलिए, हाँ बेटा एक मिनट जस्ट थोड़ा सा रिव्यू करते हैं। हम बात कर रहे हैं बेटा थोड़ा सा, एक बार जो चीज़ें हमने सीखी हैं उसको जरा एक बार रिव्यू करते हैं पीपीटी के जरिए। देखना बेटा समझ में आ रहा है? हेलो हेलो सर, स्क्रीन ब्लैंक है। स्क्रीन ब्लैंक है। अच्छा स्क्रीन ब्लैंक है, ओके ओके कोई बात नहीं। अब देखना तो सबसे पहले एटॉमिक नंबर जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है न्यूक्लियस का, इसको जेड से डिनोट करते हैं। और बेटा मैंने लिखा है क्या कि ये, हाँ बेटा ए जैसे हम बात कर रहे हैं दिस, तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। हेलो हाँ भी एक मिनट बेटा जस्ट चलिए, तो मास नंबर ए से डिनोट करते हैं। ये देखिए समझ में आया बेटा? हेलो यस सर। इसको बेटा फिर मैंने मास नंबर इज अ होल नंबर, यहाँ से बेटा एटॉमिक मास इज अ फ्रैक्शनल, ये मैंने जो लिखा है, ये बात समझ में आ रही है आपको? यस सर। यस सर। ठीक है, आइसोटॉप्स जिनके सेम मास नंबर, सॉरी सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर, यानी कि जो आइसोटॉप्स होते हैं, बेसिकली एक क्वेश्चन आया था अभी लेटेस्ट कि आइसोटॉप्स में डिफरेंस किस चीज का होता है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। वेरी गुड, बहुत ही बहुत बढ़िया आंसर। जैसे ना अब आपका देखिए 1H1 है, 1H2 है, 1H3 है, इसके पास न्यूट्रॉन जीरो है, इसके पास एक है और इसके पास दो है। 17 क्लोरीन 37 यहाँ न्यूट्रॉन प्रोटॉन कितने बेटा? 17, यहाँ भी प्रोटॉन 17, न्यूट्रॉन यहाँ पे कितने बेटा? हेलो 18 और यहाँ पे कितने बेटा? 20। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए अब बेटा मैंने कुछ एग्जांपल्स आपके सामने रख रहा हूँ हाइड्रोजन के, जो तीन इंपॉर्टेंट आइसोटॉप्स हैं जिसे प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारी जो नॉर्मल हाइड्रोजन है उसकी लगभग जो एक्सटेंट होती है वो 99% होती है, इसलिए हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है, एटॉमिक वेट है, वो 1.0008 के आसपास होता है। ठीक है चलिए, और उसमें जो ट्राइटियम होता है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। चलिए अब मैं यहाँ से, तो जैसे हाइड्रोजन है उसका एटॉमिक नंबर दिया हुआ है, उसका मास नंबर, हेलो 1, इलेक्ट्रॉन 1, प्रोटोन 1, दिस जो बातें बेटा मैंने बोली हैं उनको सिर्फ एक समराइज फॉर्म में मैं यहाँ पे लेके आ गया। हाइएस्ट एन अपॉन पी रेशियो ऑफ ऑल द एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल्स, हाँ क्या आंसर होगा बेटा? इन तीनों में सबसे ज्यादा एन अपॉन पी का रेशियो सबसे बड़ा किसका होगा? देखें सबसे जल्दी आंसर कौन दे रहा है? ट्राइटियम। वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर, ट्राइटियम इज द बेस्ट आंसर, जिसका आंसर है 2। ट्राइटियम बिल्कुल। एक होता बेटा, हेलो एक शब्द होता है हाइड्रोन, ए एच पॉजिटिव को हाइड्रोन बोलते हैं और हाइड्रोजन आयन भी बोला जाता है। सही या गलत? यस सर। ठीक है yes, तो हाइड्रोन yes, जो होता है बेटा उसमें एच पॉजिटिव डी पॉजिटिव ये सब होते हैं, बस बाकी तो सिंपल है। ठीक है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जो मैंने आपको बताया, जो इस तरीके से इंडिकेट किया जाता है, सबक्रिप्ट में हम लिखते हैं एटॉमिक नंबर, सुपरक्रिप्ट में लिखा जाता है मास नंबर। ठीक है, क्लोरीन के जो आइसोटॉप्स हैं, दो आइसोटॉप्स हैं ये मैंने लिखे हैं दोनों, जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या निकाली मैंने बता दी, और आइसोबार क्या होता है ये मैंने बता ही चुका हूँ आपको। ठीक है, अब कैलकुलेट दी, अब देखिए कैलकुलेट दी प्रोटोन न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन इन, ये बताइए इसमें क्या आंसर होगा? सब बच्चे करना जरा सर, ए सर 1। बिल्कुल सही बात है, इसमें प्रोटॉन 35 होंगे और न्यूट्रॉन देखिए इलेक्ट्रॉन इसमें सबसे पहले ये देखो वन आंसर कैसे हो जाएगा, इसके अंदर प्रोटॉन कितने बेटा? हेलो सर सेकंड है सर। हाँ वेरी गुड,
ए, ये देखो प्रोटॉन इसके पास आ जाएंगे 35, न्यूट्रॉन इसके पास आ जाएंगे 45, यस सर 45, और इलेक्ट्रॉन इसके पास आएंगे 35, सर 35 सर सेकंड के टॉप सेकंड ओके ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन देखना आप कर सकते हो क्या इसका प्रॉपर, हाँ बेटा इस प्रॉपर सिंबल क्या होगा। हेलो इलेक्ट्रॉन कितने हैं सर 18 और प्रोटॉन कितने हैं 16 जितने प्रोटॉन हैं उससे दो इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं तो दो नेगेटिव लगा दो ओके और इसके पास प्रोटॉन कितने हैं 16 तो यहाँ 16 लिख दो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम 32 है यहाँ 32 लिख दो बोलो समझ में आया यस सर यस सर यस सर चलिए ठीक है चलिए तो आज इतना ही रखते हैं इसको। तो आज मैंने थोड़ा सा आपको एक समराइज फॉर्म भी मैंने इसकी मैंने बता दिया आपको कैसे इसको समराइज करते हैं। तो कोई दिक्कत किसी बच्चे को? नो सर। चलिए बेटा एटॉमिक स्ट्रक्चर का बेसिक बातें खत्म हो गई, कल शुरू करेंगे एक बहुत ही लेटेस्ट थ्योरी जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएशंस। ठीक है कल शुरू करेंगे बेटा उसको ओके सर। चलिए ठीक है बेटा ओके मिलते हैं कल आपसे।